नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक आते ही यूपी में राजनीतिक पार्टियों का दौरा शुरू। इसी क्रम में आप पार्टी के दिल्ली मॉडल टाउन से MLA व प्री विलेज कमेटी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के चेयरमैन अखिलेश पति त्रिपाठी अपनी टीम के साथ सिद्धार्थ नगर पहुँचे और मुख्यालय स्थित प्राथमिक विद्यालय बेलसड़ व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नौगढ़ पहुँचे, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था व सफाई व्यवस्था देख बीजेपी पर निशाना साधा। सिद्धार्थ नगर से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। चिकित्सालय आप आए हुए हैं, क्या देखने को मिला यहाँ? आप देखिए कि पीछे हमारे जो है शौचालय बना हुआ, मुझे तो नहीं लगता कि शौचालय में कोई जा पाता होगा। किस तरीके से पीछे गंदगी है, सामने की बिल्डिंग के बारे में आपको दिखा दिया गया कि किस तरीके से बिल्कुल जर्जर हालात में है। लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, बिल्डिंग में पानी भर जाता है। ऐसे हालात में जब उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हो वहाँ पर ये हालात हों अस्पतालों के, तो सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश के और अस्पताल कैसे होंगे। जहाँ पे खुद से स्वास्थ्य मंत्री आते रहते हैं वहाँ पे ये हालात हों, तो जनपद मुख्यालय का प्रमुख अस्पताल का ये हालत हो, तो यहाँ से 150 किलोमीटर दूर जाने पर मैं तो उम्मीद नहीं कर सकता कि उसे अस्पताल भी कह पाएंगे हम लोग। और मैं तो अभी भी इसको अस्पताल नहीं कह पा रहा हूँ देख करके। क्या क्या देखने को मिला, क्या सांस है? मैंने बताया कि यहाँ के स्थानीय लोग ही बता रहे थे कि बिल्डिंग जर्जर है, चूती है, बरसात के मौसम में पानी उससे रिश्ता रहता है, छत से ऐसा बनाया गया है कि सारा का सारा पानी अस्पताल के अंदर ही भर जाता है और घुटने घुटने पर पानी रहता है प्रांगण में और उसमें होकर के लोग जाने को मजबूर होते हैं। और आप रहा सा आप पीछे देख ही रहे हैं कि ये शौचालय बना है, और शौचालय की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो लोग अस्पताल में आने वाले कहाँ करेंगे। गंदगी का अंबार है चारों तरफ, पीछे देखिए सामने देखिए, तो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को भगवान के भरोसे छोड़ करके इस सरकार ने जनता को धोखा कर देने का काम किया है। योगी की सरकार पूरी तरीके से फेल सरकार साबित हुई है और अब एक एक व्यक्ति आम आदमी पार्टी और विपक्ष की एक मजबूत आवाज़ आदरणीय संजय सिंह के नेतृत्व में अपने अच्छे स्कूल और अपने अच्छे अस्पताल और सस्ती बिजली की मांग करना शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश में लड़ाई शुरू हो गई है। विकास की राजनीति उत्तर प्रदेश में होगी। अब गाय गोबर जाति और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम सरकार को बंद करना पड़ेगा।